वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल एवरीवन। आज के टॉप 5 करंट अफेयर में आपका स्वागत है एवरीवन। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा न्यूज, ज्यादा खबरों से कोशिश किया जाता है बचने का। जो मैटर अच्छे न्यूज़पेपर और एक अच्छी मैगजीन्स में कवर होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे टॉप 5 के रूप में हम लोग कवर करना चाहते हैं, ताकि ज्यादातर मामलों से, ज्यादातर खबरों से कोशिश किया जाए बचने का। एवरीवन, आज का टोटल 5 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि हाल ही में खबरों में रहा कच्चा थीव द्वीप। ओके, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने ये बहुत ही डीप एनालिसिस पे कवर कराया है इस टॉपिक को, जब द हिंदू में एडिटोरियल आया था। एक्चुअली अचानक न्यूज में क्यों आया, तमिलनाडु के एक पॉलिटिशियन पर्सन है कि अन्नामलाई, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि इस पर उन्होंने RTI दाखिल किया था। ओके, रजिस्टर किया था। सो उसमें काफी चौंकाने वाले जवाब आए, जो कि काफी उथल-पुथल का कारण बना। अभी लोकसभा का चुनाव भी भारत में होने वाला है, तो काफी वो सुर्खियों में आ गया मामला, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत डीप में बात कर लिया है, बहुत ही शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए, जो कच्चा थीव आइसलैंड है, इसके निर्माण की बात कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 14वीं सेंचुरी में हुआ था। ओके, भारत में जब यूरोपी लोग नहीं आए थे, यूरोपी शासन, यूरोपीय व्यवसायी नहीं आए थे, उसके पहले तमिलनाडु के दायरे में यह क्षेत्र आता था। ओके, जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ, तो अंग्रेजों और श्रीलंका का साथ में यहाँ पर शासन प्रशासन चलता था। यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन होते थे अंग्रेजों और श्रीलंका दोनों का। अगर बात करें 1921 का, वो समय है 1921 का, जब श्रीलंका ने खुलकर इस पर अपना दावा करना शुरू कर दिया और बोला कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र का यह जगह है, ये हमको दे दिया जाए, ठीक है। 1974 का वो समय है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। ओके, फिर बाद में ये भी पूछा गया कि क्या इस समझौते को रद्द किया जा सकता है, क्या इस जगह को वापस हम ले सकते हैं। तो फिर ये कहा गया जवाब में कि देखिए, ये भारत ने जगह को, इस द्वीप को कोई गिफ्ट स्वरूप इनको नहीं दिया है, उपहार स्वरूप नहीं दिया है। एक्चुअल में ये जब ब्रिटिश शासन भारत में थी, उनका और श्रीलंका का यहाँ पर तकरार चल रहा था, जिसको कि भारत ने खत्म किया है समझौते के तहत, ताकि मित्रवत संबंध भी बना रहे श्रीलंका के साथ और कोई विवाद भी आपस में ना हो, ठीक है। कहा, देखिए ये भी जाता है, हालांकि ये जवाब में तो नहीं बोला गया था, लेकिन अगर हम उस समय की बात करें, उस परिदृश्य की बात करें, तो चाइना का झुकाव श्रीलंका की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक। और चाइना के डिफेंड के जो स्ट्रेटजी है, वो भारत बहुत अच्छे से समझ चुका था। तो भारत नहीं चाहता था कि श्रीलंका से हमारी दूरी बने, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो उस संबंध को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए एक रणनीति के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को दिया गया, ताकि हमारा संबंध हमारे पड़ोसी देशों से बहुत अच्छा बना रहे। अगर हम उस परिदृश्य को, उस पटल को देखेंगे, तो कुछ ऐसे जवाब भी सामने आते हैं, ठीक है। हालांकि जो जवाब में बातें कही गई हैं, वहां पर कुछ ऐसे चर्चाओं का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो 1974 के पहले भारत का इस पे अधिकार क्षेत्र था, 1974 के बाद श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में ये कच्चा थीव द्वीप अब आज के समय में है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा हमने मोटा मोटा इस पर हमने बात कर लिया। समझौते के तहत देखिए, यहाँ पर कच्चा थीव है, अगर बात करें भारत से, तो भारत से इस द्वीप की जो दूरी है, वो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की यह दूरी है, जो कि बहुत पास हमसे है। अब बात करें इसका महत्व तो क्या है इस द्वीप का, तो देखिए उस समय जब ये द्वीप दिया गया था श्रीलंका को, तो उस समय तो हम इसको व्यवसायिक नजर से ही देख रहे थे, क्योंकि ये मछुआरों के लिए बहुत अच्छी जगह मानी गई थी। मछुआरों का कहना था कि जो कोस्टल जोन होते हैं, वहां पर अच्छी किस्म की मछलियां नहीं होते हैं, लेकिन जब हम डीप वाटर में जाते हैं, तो मछलियों की किस्म अच्छी हो जाती, अच्छी मिलती मछलियां, हमारा व्यवसाय जो मत्स्य उद्योग है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, समझौते के तहत एक रेड जोन बनाई गई है। ओके, So, इसके दायरे में भारत को रहना है, इसके दायरे में श्रीलंका को रहना है, ठीक है। तो जो मछुआरे हैं, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, और साथ ही साथ एक सीमित दूरी बनाकर रहेंगे इस सीमा से। ये जो काल्पनिक एक रेखा खींची गई है, इससे एक दूरी बनाकर रखना है लोगों को। अक्सर न्यूज में आप देखते होंगे कि भारतीय मछुआरों को श्रीलंका में पकड़ा गया है, तो जब इसी का वो
क्रॉस इसको करते हैं या इस नियम का अवहेलना करते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। तो देखिए पूरा का पूरा मामला ये है, तो उन्हीं उसी के एवज में जवाब मांगा गया था। तो बस आप इतना जानिए कि 1974 के पहले भारत का इस पे शासन था, 1974 के बाद श्रीलंका का इस पे शासन है और तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत आता था आज़ादी के पहले, और जो कच्चा थी द्वीप है वो श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है। हाँ, इसका क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल जो है वो 284 एकड़ में है, तो ये भी थोड़ा सा माइंड रखना, ठीक है। सो एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों से श्रीलंका के साथ कच्चा थियो द्वीप विवाद पे भारत के असंगत दृष्टिकोण का पता चलता है। पाक जंगडमरू मध्य में एक छोटा सा द्वीप कच्चा थियो द्वीप स्थायी निपटान और मीठे पानी का स्रोत का अभाव यहाँ पर है। ऐतिहासिक रूप से भारत और श्रीलंका दोनों द्वारा प्रशासित 1974 में एक समझौते में इसकी सीमा को चिन्हित किया गया। भारतीय मछुआरों विशेषकर तमिलनाडु के मछुआरों को द्वीप पर परस्पर विरोधी दावों का कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मछुआरे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, हमने बात किया। एवरीवन, मैं अगेन बोलूंगा कि अगर इस पर आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हैं, मैंने बहुत डीप एनालिसिस इस पे किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस पूरे के पूरे मुद्दे पूरे मामले को आप जान सकते हैं। सेकेंड है बरसाना बायो गैस परियोजना, जो खबरों में था किस राज्य में स्थित। देखिए बरसाना से ही समझ में आ रहा है कि बरसाना कहाँ पे है, मथुरा में, ठीक है। मथुरा किस राज्य में है, सो उत्तर प्रदेश में, ओके। तो थोड़ा सा इस पे आप माइंड रखना, ठीक है, चलते हैं एनालिसिस पे। सो अदानी टोटल गैस लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना बायोगैस संयंत्र से पहले चरण को चालू कर दिया है। इस परियोजना की कुल लागत क्षमता 600 टन प्रतिदिन होगी, जिसमें कि 42 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस और 217 टन प्रतिदिन जैविक उर्वरक का उत्पादन होगा। यह भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र के लिए तैयार है, जिसकी लागत 200 करोड़ से अधिक है, जो कि स्थिरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उन्नत अवयवी और पाचक तकनीक का उपयोग करता है। देखिए यहाँ पर बात हुआ है सीएनजी का, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हम सीएनजी के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो सीएनजी होता है वो प्राकृतिक गैस, याद रखना, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके प्राप्त किया जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो मेथेन CH4 को कंप्रेस्ड करके सीएनजी पाया जाता है, सीएनजी को प्राप्त किया जाता है। तो मोटा मोटा एक जानकारी याद रखना, और ये तथ्य थोड़ा सा याद रखना कि बरसाना बायोगैस परियोजना तो मथुरा उत्तर प्रदेश, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा उत्कल दिवस 2024 किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए ये उड़ीसा, ठीक है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। सो उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा दिवस के रूप में जाना जाता है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा के गठन की याद दिलाता है। यह राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से एक अलग पहचान के लिए संघर्ष का अंत का प्रतीक है। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला यह उत्सव सजावट और सांस्कृतिक प्रदर्शन सहित उत्सवों के माध्यम से उड़ीसा की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना कि जो उत्कल दिवस है यह उड़ीसा दिवस के रूप में भी इसको जाना और माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटों को जोड़ी गई है, तो याद रखना 18, ठीक है। बात करें जो ये ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है क्या है, सो देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट के जो स्थल होते हैं ना, उनके परिदृश्यों को, स्थलों को सुरक्षा शिक्षा, ठीक है, के रूप में संजोया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो ग्लोबल जियो पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जगह होंगे जिनकी शिक्षा को, स्थलों को संभालने का काम किया जाता है, ठीक है। ये काम कौन करता है, ये यूनेस्को के अंतर्गत होता है। इसके स्थापना की बात कर लें तो 16 नवंबर 1945
मुख्यालय कहां पे यूनेस्को का? सो पेरिस, याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं मुद्दे पे। सो मार्च 2024 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 नई साइटें जोड़ी हैं, जिसमें कि 48 देशों में साइटों की कुल संख्या 213 हो गई है। इन साइटों में बेल्जियम, नीदरलैंड, ब्राजील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन स्थित है। ग्लोबल जियो पार्क एकीकृत भू आकृति क्षेत्र होते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भी महत्व के स्थलों व परिदृश्यों का सुरक्षा, शिक्षा और टिकाऊ विकास की समग्र अवधारणा के साथ प्रबंधन किया जाता है। ओके, सो शॉर्ट में हमने वहां पे बात कर लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल हों, परिदृश्य हों, उनको संजोने की बात की जाती है, ताकि जो सतत विकास है उसको बढ़ावा मिले और साथ ही साथ हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको भी इन सब चीजों की जानकारी और लाभ मिल सके। ओके, नेक्स्ट है माता बेरी पेड़ा और पचरा, जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? देखिए, जो माता बेरी पेड़ा है वह ये है, और जो पचरा है एक प्रकार का बुनाई किस्म का कपड़ा होता है, सो ये है। किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा। ओके, यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, क्लियर। सो त्रिपुरा के पारंपरिक उत्पादों माता बेरी पेड़ा प्रसाद और रिग्नाई पचरा वस्त्रों के हाल ही में भौगोलिक संकेतक जो कि GI टैग अर्जित किया है। इसने राज्य के कुल 4 GI संरक्षित उत्पाद हो गए हैं। माता बेरी पेड़ा प्रसाद त्रिपुरेश्वरी मंदिर की एक मिठाई है। ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट के रूप में कंटेंट याद रखना, ठीक है। जो त्रिपुरेश्वरी मंदिर है का प्रसाद है, ठीक है, जिसको GI टैग दिया गया है, जो कि दूध और चीनी से बनाई जाती है। रिग्नाई पचरा वस्त्र पारंपरिक हाथ से बुना हुआ एक परिधान है, जो कि त्रिपुरा के संस्कृति विरासत का प्रतीक है। इन उत्पादों की GI मान्यता उनके महत्व प्रामाणिकता को उजागर करती है और वैश्विक ध्यान और विपणन अवसरों को आकर्षित करती है। कुल मिलाकर अभी त्रिपुरा में टोटल 4 GI टैग उत्पाद हो चुके हैं। करंटली 2 हैं, इस पर हमने बात कर लिया। एक तो त्रिपुरेश्वरी मंदिर है, वहां के पेड़ा जो प्रसाद है उसको, और एक हाथ से बुनाई की हुई वस्त्र, एक बुटीक डिजाइन है, उसको GI टैग दिया गया है। ओके, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सो राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी है त्रिपुरा में? तो देखिए, राज्यसभा की 1 है और लोकसभा की 2 हैं। ये 7 सिस्टर के अंतर्गत ये स्टेट आता है त्रिपुरा, ये भी आप थोड़ा सा माइंड रखना, ठीक है। सो एवरीवन, आज के टोटल 5 क्वेश्चंस एनालिसिस पे हम लोग बात किए। अगर आपको ये कंटेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। हम ऑल टाइम कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम खबरों से बचा जाए, जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक है उन्हीं कंटेंट को हम लोग करने का कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच।